हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मयूर एस मोरे आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म में जहां पे आज हम लोग समरी सीरीज के तहत हमारा ट्वेल्थ का एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ये फिजिकल केमिस्ट्री का वैसे तो पहला चैप्टर है लेकिन बाकी कुछ कुछ चैप्टर हो चुके हैं तो अभी ये चैप्टर हम लोग देखने वाले है चलिए शुरू करते हैं लेट्स बिगेन और एक चीज आपको बता दू ये समरी है तो आपको सार, सारी जो सारी जो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो समराइज फॉर्म में आपके सामने रखे जाएंगे पूरा डिटेल में होगा ये एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि ये समरी लेक्चर है बेटा ठीक है चलिए शुरू करते हैं सो इस लेक्चर में शुरुआत हमारी होती है इंट्रोडक्शन से अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे तो सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट क्या होता है तीन स्टेट आपको पता है सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट Right? तक इन तीन स्टेट्स का सवाल है तो सॉलिड स्टेट जो है आपका सॉलिड स्टेट में इंटरमोलेगुलर डिस्टेंसेस काफी कम होते हैं, राइट right? तीनों स्टेट अगर मैं तो मैं, शॉर्टकट में बता रहा हूं, मैं। पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप इसके बारे में ट्वेल्थ में सॉरी इलेवेंथ में सीख चुके हो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट ये आपके तीन स्टेट है राइट सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट एंड गैशियस स्टेट तीनों में डिफरेंस क्या है सॉलिड स्टेट में जिस पार्टिकल से या जिस मोलिकुल से सॉलिड स्टेट बना है उनके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता यानी इंट्रोमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर वेरी, वेरी 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 लेस इंट्रोमोलिकल डिस्टेंस आर वेरी लेस एंड इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जहा तक लिक्विड स्टेट की बात है तो दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा लाइक like दिस ये आपका हो गया लिक्विड स्टेट है ना उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा सा लिक्विड स्टेट से कम रहेगा जहां तक तो गैसीय स्टेट की बात है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन और कम हो जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसस और बढ़ जाएंगे जहां तक गैच स्टेट का सवाल है गैसे स्टेट में इंटरमोलटल डिस्टेंसेस और ज्यादा होते हैं और दिया? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं सबसे वीक यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होते हैं यहां पर इंटरमोलिकुलर जो होते हैं वो होते हैं सॉरी यहां पे आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब दो के बीच में जो इंट्रेक्शन होते हैं उसको कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ये तुम्हारे मोलिक्यूल्स को या एटम्स को जोर से पास में खींच लेंगे अगर ये इंटरमीडिएट रहेंगे तो एकदम पास में नहीं खींचेंगे अगर ये वीक रहेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा रहेगा उट तो सॉलिड स्टेट इन दोनों से इस तरह से अलग होता है ठीक है ये तो होगा इंट्रोडक्शन का पार्ट अब आगे अब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स तो सॉलिड के बिना मेन दो टाइप है एक आपका है क्रिस्टलाइज सॉलिड और दूसरा है एमआर फॉर सॉलिड दो मेन टाइप्स कौन से कौन से हैं आपके सॉलिड के एक आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दूसरा है एमोरप सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉलिट्स सॉलिड्स, ठीक है उसमें से पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अब उसके ता... वो देख लेते हैं

वो, जि, वो ये जिस जिस सब्सटेंस में होती है उसी को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड तो बेसिकली यहां पे आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली रेगुलरली अरेंज्ड रेगुलरली अरेंज्ड

अब ये वैसे तो देखा जाए तो क्यूबिक है ये देखो ये क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड ये ठीक है अब ये अकेला नहीं है अब यहां पार्टिकल्स देखोगे तो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं यहां पे उनसे ये पर्टिकुलर शेप बना है अब ये जो शेप है ये यहां पे आपको दिख रहा है लेकिन यह बार बार रिपीट होगा लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम आगे भी पीछे भी पूरा का पूरा रिपीट होगा डी डायमेंशन में इस इस तरह से ये तो ऐसा राइट हैंड साइड में रिपीट हो रहा है वैसा ऊपर भी रिपीट होगा ये पैटर्न जहां पे ऑब्जर्व होता है उन्हीं को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये जो होता है ये पैटर्न ये रेगुलर रिपीटेटिव पैटर्न इज एक्सटेंडिंग ओवर ऑल सब्सटेंस पूरे सब्सटेंस में फैला हुआ रहता है ऐसा नहीं कि किसी शॉर्ट डिस्टेंस में फैला हुआ है और बाकी डिस्टेंस में फैला हुआ नहीं है तो बेसिकली दिस रेगुलर पैटर्न दिस रेगुलर पैटर्न Which is repetitive, which is repetitive, and it is extended, extended over all the substance. It is extended over all the substance. Okay? This is crystalline. सॉलिड्स इसके अगर एग्जाम्पल में दू आपको तो इसके एग्जाम्पल वैसे तो बहुत है आयन है गोल्ड है सिल्वर है ये मेटलिक क्रिस्टल हो गए एनएसएल है के है एनएससीएल के सी डायमंड ग्राफाइट डायमंड लिखा मैंने ग्राफाइट का ले लिया डायमंड ग्राफाइट इडीसी ठीक है तो इतने पकड़े तो भी चल जाएंगे दैट्स व्हाट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अब अगला एमर्फस सॉलिड्स एमर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं एमर्फस सॉलिड्स होते हैं बेटा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं यानी यहाँ पे hmm. <coughs> तो आपके कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं और कहीं पे भी आपको रेगुलरली अरेंज वो दिखे भी तो वो शॉर्ट रेंज डिस्टेंस के लिए होते उससे ज्यादा वो एक्सटेंड नहीं करते तो बेसिकली दे हैव इेगुलर दे हैव इेगुलर एंड रैंडम अरेंजमेंट they have an irregular and random arrangement of constituent particles they have an irregular and random arrangement of constituent particles okay? so basically they are like a super cooled liquid they are like a super cooled liquid उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है दे हैव इेगुलर एंड रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कंसिडेंट पार्टिकल्स एंड इवन इफ दे हैव इवन इफ दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट इवन इफ दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट Of constituent particles, of constituent particles, it will be extending, it will be extending over a short distance only, over a short distance. ओनली ठीक है इनके एग्जाम्पल्स कौन है इनके एग्जाम्पल्स है ग्लास प्लास्टिक ग्लास प्लास्टिक ठीक है बाकी और भी examples हम लोग आगे देखेंगे ठीक चलो नेक्स्ट अब नेक्स्ट ये डायग्राम में क्या है ये डायग्राम में आपको बताने वाला हूं आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपी अब आइसोट्रोपी एनिसोट्रॉपिक क्या है पहले वो समझ लेते हैं आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी अब देखो बेटा यहां पे चीज क्या है आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी आइसोट्रॉपी मतलब क्या कि कोई भी प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गया थर्मल एक्सपेंशन हो गया थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल एक्सपेंशन ये जो प्रॉपर्टीज है ये किसी भी डायरेक्शन से मेजर करोगे तो ये प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम ही आएगा यानी आप समझ लो कोई ऐसा सब्सटेंस है ये देखो समझ लो ऐसा कोई आपका सब्सटेंस है अब ये एम और पर से क्रिस्टल है वो बात की बात है यहाँ पे आप इस डिरेक्शन से ये प्रॉपर्टी मेजर करोगे इस डिरेक्शन से मेजर करोगे इस डायरेक्शन से मेजर करोगे, करोगे या इस डायरेक्शन से मेजर करोगे भी डिरेक्शन से मेजर करो वो प्रॉपर्टी का वैल्यू एग्जैक्टली सेम ही आएगा अगर ऐसा होता है तो उस चीज को कहा जाता है आइसोट्रॉपी ठीक है तो बेसिकली वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज वैल्यूज ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टीज वैल्यू लाइक थर्मल कंडक्टिविटी values of properties like thermal conductivity thermal expansion thermal expansion values of properties like thermal conductivity thermal expansions are exactly are exactly same are exactly same no matter नो मैटर विच डिरेक्शन नो मैटर विच डिरेक्शन प्रॉपर्टी इज मेजर नो मैटर प्रॉपर्टी इज मेजर कौन से भी डिरेक्शन से मेजर करने दो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू एग्जैक्टली सेम ही आएगा यहां पर यह एनिसोट्रॉपी दिखा रहा हूं मैं और ये कहाँ पे होता है ये होता है एम और फर्स्ट सब्स में पे होता है एमोर्फसट में अब में ऐसा क्यों होता है क्योंकि अगर आप ओवरऑल एवरेज लोगे तो ओवरऑल एवरेज यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरऑल सभी तरह के और सभी टाइप के कंस्टिटेंट पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो सेम ही आएंगे वो अलग अलग नहीं आएंगे तो ये एवरेज आउट ये डिस्ट्रीब्यूशन और एवरेज आउट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के होने के वजह से एमॉर्फस सब्सटेंस में आप ये प्रॉपर्टी किसी भी मेजर से डायरेक्शन करोगे किसी भी डायरेक्शन से मेजर करोगे तो वैल्यू सेम ही आएगी एनिसोट्रॉपी में ऐसा नहीं होता एनिसोट्रॉपी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है यहां पे मैं चाहिए तो दिखा भी देता हूं यहां पे एनिसोट्रॉपी में

कहां पे होता है दिस हैपन्स इन क्रिस्टल लाइन सब्सटेंसेस क्रिस्टल लाइन सब्सटेंसेस एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर क्यूबिक एक्सेप्ट फॉर क्यूबिक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल को अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी सब जगह ये एनिथेट्रॉपी ऑब्जर्व किया जाता है अब कैसे मैं आपको दिखाता हूं जरा यहां गौर से देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो या थर्मल एक्सपेंशन हो आप ए टू बी डायरेक्शन में ये ये जो है ना ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये जो है दिस इज योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस This is your crystalline substance. ये कोई तो प्रॉपर्टी मेजर करते हो तो आपको सेम ही तरह के तो आपको सेम ही तरह के पार्टिकल्स आ रहे हैं ए टू बी जब आप मेजर कर रहे हो तो आप, आपको सेम ही तरह के पार्टिकल्स आ रहे हैं राइट यानी देखो ये जो कंसिस्टेंट पार्टिकल ये दो तरह के पार्टिकल से बना हुआ है आप देख सकते हो एक ये हॉलो सर्कल है और ये ये भरा हुआ सर्कल है तो अगर आप ये होलो सर्कल से ए टू बी अगर मेजर कर रहे हो तो आपको एक ही तरह का पार्टिकल आ रहा है ये जो व्हाइट वाला ये नहीं आ रहा है जब आप सी टू डी मेजर कर रहे हो तो आपको ये हॉलो वाला नहीं आ रहा ये भरा हुआ जो व्हाइट सर्कल है वो आ रहा है राइट और वही आप ई टू ई टू एफ मेजर कर रहे हो तो आपको दोनों तरह के कंस्टिटेंट पार्टिकल आ रहे हैं यानी अगर मैं तीनों डिरेक्शन से गया तो आप ये देख सकते हो कि तीनों डिरेक्शन में अलग अलग कंस्टिटेंट पार्टिकल सामने आ रहे हैं अब अगर अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सामने आ रहे हैं तो उनका जो थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल एक्सपांशन होगा वो भी अलग अलग होगा जब डिरेक्शन चेंज करोगे और इसी चीज को कहा जाता है एनिसोट्रॉपी क्यूबिक यूनिट सेल अगर छोड़ दोगे तो बाकी हर जगह आपको देखने को मिलेगा ठीक है बेटा तो दिस इनफ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म अब आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है अब आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या कि दो या दो से अलग दो या दो से अलग अलग सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड सेम रेशियो ऑफ द एटम्स अब मैं ये लिख के नहीं दे रहा हूं ओरली बता रहा हूं आप ठीक से सुन लेना मैं बस एग्जांपल दूंगा टू और मोर सब्सटेंसेस टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सेम एटॉमिक रेशियो इस कॉल्ड एस आइसोमॉर्फिज्म इस तरह के फेनोमेनन को कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म और जो सब्सटेंस से दिखाते हैं उनको कहा जाता है आइसोमॉर्फ्स तो आइसोमॉर्फिज्म आपको कहां-कहां दिखेगा जैसे कि NAF एन MgO अब जहां तक NAF एंड MgO का MgO की बात है उनके एटॉमिक रेशियो देखो 1:2 1 है इसका भी 1:2 है तो एटम्स का रेशियो सेम है और उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी एग्जैक्टली exactly सेम है उसी तरह से अगर आप दूसरा लोगे, एन एनओ थ्री एंड सी एस एंड सी इन दोनों में भी देखना एटम्स का रेशियो क्या है वन एस टू वन एस टू थ्री यहां भी वन एस टू वन एस टू थ्री ये तुम्हारे एटम्स का रेशियो है तो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आपको एग्जैक्टली exactly सेम मिलेंगे ठीक है अब पॉलीमोर्फिज्म पॉलीमोर्फिज्म क्या है पॉलीमोर्फिज्म इज अ फेनोमेनॉन वेयर पॉलीमोर्फिज्म इज अ फेनोमेनॉन वेयर अरे एक मिनट क्या हो गया पॉलीमोर्फिज्म इज अ फेनोमेनॉन वेयर टू और मोर पॉलीमोर्फिज्म इज अ फेनोमेनॉन वेयर सिंगल सब्सटेंस हैविंग टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ठीक है तो पॉलीमोपिजम में क्या होता है सेम सब्सटेंस सेम सब्सटेंस हैविंग हैविंग टू और मोर टू और मोर डिफरेंट टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम सब्सटेंस हैविंग टू और मोर डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इस तरह के फेनोमान को कहा जाता है पॉलीमोर्फिजम इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दू तो वो है कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के तीन अलग अलग स्ट्रक्चर आते हैं एक आता है आपका अल्फा अल्फाकॉड्स दूसरा आपका आता है बीटा अल्फा बीटाकॉड्स बीटा बीटाकॉड्स और तीसरा आता है आपका क्रिस्टोबेलाइट अल्फा क्रॉड्स बीटा क्रॉड्स एंड तीसरा आता है क्रिस्टोबेलाइट तो सेम सब्सटेंस के तीन अलग अलग दो तो या तीन अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहां पे तीन है इसलिए मैंने तीन बोला इसका एग्जाम्पल यहां पे देखो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट के तीन है इस फेनोमेनन को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म और इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है polymorphs तो आपका क्रिस्टोबेलाइट है अल्फा क्वार्ट्ज है एंड बीटा क्वार्ट्ज है सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म अब ये पॉलीमॉर्फिज्म अगर कोई सब्सटेंस दिखा रहा है तो हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म ही कहेंगे अगर कोई एलिमेंट दिखा रहा है जैसे कार्बन तो हम उसको क्या कहते हैं एलोट्रोपिक कहते हैं याद है आपको अगर ये कोई सब्सटेंस दिखा रहा है तो पोलियमोफिज कोई एलिमेंट दिखा रहा है तो हम लोग उसको कहते हैं एलोट्रॉपी जैसे कि कार्बन कार्बन के तुमको पता है डायमंड एलोट्रॉप्राफाइड ये सारे क्या है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ही ठीक है बेटा चलो आगे बढ़ते हैं ये गलती से ऐड हो गया अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स कौन से कौन से हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप वैसे तो बेटा चार है सबसे पहला है आपका आयोनिक सॉलिड्स आयोनिक सॉलिड्स एक है सेकेंड वाला जो है सेकेंड वाला जो है वो आपका है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स ये दूसरा टाइप है तीसरा है मोलेक्यूलर सॉलिड्स, तीसरा है मोलेक्यूलर सॉलिड्स, और चौथा है मेटालिक सॉलिड्स, चौथा क्या है सॉलिड्स। तो इस तरह से चार आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप है जहां तक इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का सवाल है तो यहां पे मैं हेडिंग में लिख देता हूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक सॉलिड के कौन है आयनिक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है आयंस और आयंस कौन से होते हैं बेटा आयन्स होते हैं कटायंस एंड एनायस कटायंस एंड एनायंस आर योर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ योर आयनिक सॉलिड और आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल अगर मैं दू वो आपको ऑलरेडी पता है एन एस सी एल सी एल एम जी ये सारे के सारे क्या है ये सारे के सारे बेटा आपके आयोनिक सॉलिड्स है ठीक है जहां तक को वाले नेटवर्क सॉलिड्स का सवाल है को वाले नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स अब आटम्स तो आयनिक फॉर्म में नहीं रहे थे आटम्स हमेशा न्यूट्रल ही रहेंगे, तो इनके सॉलिड बोला है तो आयनिक सॉलिड में कौन से बॉन्ड्स होते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड्स होंगे कोवाइलेंट नेटवर्क सॉलिड में कौन से बॉन्ड्स होंगे जैसे नाम के ऊपर लिखा है कोवाइलेंट बॉन्ड्स रहेंगे तो यहाँ पे एटम्स के बीच में बहुत सारे एटम एक साथ आकर बहुत सारे आइटम्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते 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 एक ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर बना देते हैं एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना देते हैं जहां पे एक पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मतलब एक सिंगल क्रिस्टल होता है और उसी तरह के सॉलिड को कहा जाता है नेटवर्क सॉलिड इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई मैं दू तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डायमंड बनाता है और ऐसे सारे के सारे कार्बन एक साथ आकर एक पूरा नेटवर्क सॉलिड बनाता है जिससे काफी टफ स्ट्रक्चर बहुत हार्ड सब्सटेंस बन जाता है जो कि है तुम्हारा डायमंड ठीक है उसके बाद तीसरा है सॉलिड्स जहाँ तक सॉलिड्स का सवाल है तो क्योंकि नाम लिखा हुआ है सॉलिड्स नाम से समझ जाओ यहां पे आपके कॉन्सिडेंट पार्टिकल्स रहेंगे molecules. आपके पार्टिकल्स यहां पे कौन रहेंगे मोलेक्यूल्स अब आप बोलोगे आयनिक सॉलिड समझ में आ गया को वाले नेटवर्क सॉलिड समझ में आ गया तो ये मोलेक्यूल सॉलिड्स क्या है सॉरी तो जहां तक मोलेक्यूल सॉलिड्स का सवाल है बेटा तो है, में फॉर तो अगर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन छोड़ चलो हाइड्रोजन ले लो ऑक्सीजन ले लो नाइट्रोजन ले लो या कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो भी चलेगा अब आपको क्या लगता है जब कार्बन डाइऑक्साइड अब गैस है गैस को अगर आपने उसको लिक्विडिफाई किया तो लिक्विफाई करने के बाद उसको सॉलिड स्टेट में लेके गए तो एक का तो सॉलिड स्टेट में जा रहा है मतलब दो मोलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन तो हो रहा है ना अब ये क्शन अगर आपने सीओ टू सीओ टू लिया तो दो सीओ टू मोलिक्यूल में कौन सा इंट्रैक्शन हो सकता है दो सीओ टू मोलिक्यूल सीओ टू मोलिक्यूल पूरी तरह से नॉन पोलर है तो दो सीओ मोलिक्यूल में कौन सा इंट्रेक्शन होगा वैंडरवाल फोर्सेस का ही इंट्रेक्शन होगा एस टू दो एस टू मोलिक्यूल के बीच में कौन सा इंट्रेक्शन होगा तो एस टू मोलिक्यूल के बीच में इंट्रेक्शन होगा कौन सा वैंडरवाल फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस दो ओ टू मोलिक्यूल में डिस्पर्शन फोर्सेस एन टू मोलिकॉलिट में फोर्स है। तो ये सारे जब सेट में जाते हैं तो वो मोलिकुलर सॉलिड के, से से के जो मोलिक्यूल हैं, उन मोलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है जैसे कि एच सी एल अब एच सी एल भी अगर अकेला मोलिक्यूल बनेगा तो एक एच सी एल में डेल्टा प्लस रहेगा हाइड्रोजन के ऊपर के ऊपर डेल्टा माइनस रहेगा यही एच सी एल दूसरे एच सी एल करेगा तो क्लोरीन का जो डेल्टा माइनस है मैं इंटरेक्ट करेगा तो कैसे करेगा क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस है तो वह हाइड्रोजन के डेल्टा प्लस डेल्टा से इंटरेक्ट करेगा लाइक दिस ऐसे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लाइक दिस तो ये डाइपो डाइपोल इंट्रैक्शन होगा ठीक है दूसरा इंट्रैक्शन जो रहेगा जो मैंने आपको बोला वो कौन सा दूसरा इंट्रैक्शन मैंने आपको बोला वह इंट्रोवॉल्व फोर्सेज या मॉलिक्यूल्स पूरी तरह न्यूट्रल होंगे जैसे कि uh, CO2 CO2 या फिर O2 टू H2 या फिर हेलियम ईटीसी इन सारे केस में जो इंट्रेक्शन होगा वो होगा डिस्पर्जन फोर्सेस यहाँ पे सिर्फ एचसीएल नहीं है एचसीएल के साथ में बाकी एग्जाम्पल भी दे सकता हूं बाकी एग्जाम्पल जैसे कि आपका एच एफ एच बी आर एच एफ तो नहीं ले सकता एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एच बी आर एच आई ये होंगे आपके डाइपोल डाइपो इंट्रैक्शन ये हो गए आपके पेंड्रोवल फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस और तीसरा वाला जो आपका है वो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला ऐसे सॉलिड्स जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जैसे कि वाटर वाटर जब आइस बनेगा सॉलिड स्टेट में आएगा तो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ऑलरेडी पता है एच टू ओ एच एफ एन एच थ्रीटीसी ये सारे एग्जाम्पल्स आएंगे आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में ठीक है तो आशा करता हूँ कि ये क्लियर होगा लास्ट आटेलिक सॉलिड मेटालिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कौन से है मेटालिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल 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 एटम्स 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 कौन से है? अब दो के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा जिससे मेटल सॉलिड स्टेट में जाएगा उसी को उसी से बनते हैं तुम्हारे मेटालिक सॉलिड और यहाँ पे बेसिकली मेटालिक बॉन्डिंग होती है और मेटालिक बॉन्डिंग कैसे होती है मेटालिक बॉन्डिंग इज थॉट टू बी Metallic bonding is thought to be made up of a system where a mobile, a sea of a mobile electrons or an ocean of mobile electrons is there in which the positively charged kernels are immersed. और positive charge kernels कौन है? Metallic atoms. और हर atom कुछ ना कुछ mobile electrons उस समंदर में उस ocean में contribute करता है. तो उसके best examples यहाँ पे आएंगे. आपके जो भी metallic atoms हैं, जैसे iron हो गया. सिल्वर हो गया गोल्ड हो गया प्लैटिनम हो गया पलाडियम हो गया ई सब में होता है मेटालिक सॉलिड्स एंड दैट इज इट फॉर द टाइप्स ऑफ योर क्रिस्टलाइन टाइप्स ऑफ योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ठीक है क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ठीक है बेटा चलो तो ये देखो ये सारे जो है आयनिक सॉलिड हमारा आयोनिक सॉलिड ओ वाला नेटवर्क सॉलिड्स मोलिकुलर सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स ये सारों को एक जगह कंपाइल किया गया है हर हर एटम के बारे में सारी चीजें बताई गई है और जो आयनिक सॉलिड में पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल क्या है कटायन सनायन जैसा मैंने बोला को वाले नेटवर्क सॉलिड्स में है को वैलेंटली बॉन्डेड सॉलिड्स सॉलिड्स में मोनो एटोमिक या पॉली एटोमिक मोलिकुल्स और मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक आयन इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में जो फोर्सेस है पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने, मैंने बताया था बाकी चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हो हार्डनेस हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं आयनिक सॉलिड हम सभी को यह बात पता है मेटलन नेटवर्क आर एक्सट्रीमली हार्ड वेरी वेरी हार्ड मोलिकुलर आर सॉफ्ट होते हैं और मेटल डिपेंड करता है कभी सॉफ्ट हो सकते हैं कभी हार्ड भी हो सकते हैं ठीक है बाकी एग्जांपल वगैरह तो मैं पहले ही दे चुका हूँ ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरफ अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है अब देखो बेटा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या है द बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देर इज अल्टर्ड देर इज एन ऑल्टर्ड डी डायमेंशनल अरेन्जमेंट ऑफ पार्टिकल्स देर इज एन ऑल्टर्ड 3 डाइमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है तो आपके पार्टिकल होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर मतलब क्या मैं आपको बताता हूं इमेजिन करो कि एक कंस्टिटेंट पार्टिकल है और बी भी एक कंस्टिटेंट पार्टिकल है तो पैटर्न है ए के बाद बी आएगा बी के बाद फिर से ए आएगा यानी ए बी ए बी ए बी ए बी लाइक दैट या फिर अगर समझ लो अह ऐसा है कि ए बी सी ए बी सी तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी लाइक पहली ये ऑर्डर थ्री डायमेंशनल अरेजमेंट ऑफ अ पार्टिकल्स उसी को कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो ऑर्डर थ्री डायमेंशनल अरेन्जमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन Crystal structure स्ट्रक्चर present in crystal structure aur और ये जो है it is understood by two terms ye ये समझने के लिए आपको दोन टर्म तो, दो चाहिए एक आपका है lattice एक आपका है lattice और दूसरा आपका है बेसिस एक लैटिस है और दूसरा बेसिस है तो आप समझ लेते हैं कि लैटिस और बेसिस क्या होता है तो क्रिस्टल लैटिस एंड बेसिस जहां तक लैटिस का सवाल है लैटिस मतलब इट इज एट इज ए रेगुलर इट इज ए रेग्युलर जोमेट्रिक अरेजमेंट इट्स ए रेगुलर जोमेट्रिक अरेजमेंट रेगुलर जोमेट्रिक अरेजमेंट इन अ थ्री डायमेंशनल पीरियडिक अरे थ्री डायमेंशनल पीरियोडिकॉइंट को हर एक पॉइंट को अगर मैं कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल अटैच कर देता हूं तो उससे बनता है बेसिस कैसे देखो यहाँ पे लैटिस ये यह देखो यहां आपका रेगुलर रेगुलर जोमेट्रिक अरेजमेंट ऑफ पॉइंट है ठीक है रेगुलर जोमेट्रिक अरेजमेंट ऑफ पॉइंट है जो थ्री डायमेंशन में फैला हुआ है अब ये जो है ये क्या है दिस इज योर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये आपका है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ठीक है ये कुछ पॉइंट्स है बस नॉर्मल ब्लैंक पॉइंट्स है उस ब्लैंक पॉइंट्स का ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट किया गया है हर एक पॉइंट को मैंने एक एक कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल लगा दिया तब एक ये एक पॉइंट और एक पार्टिकल मिल जाता है तो टुगेदर क्या बनता है बेसिस और ये सारे बेसिस ऐसे एक साथ अब अगर आप अरेंज कर दोगे तो आपको मिलता है क्रिस्टल या जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं एंड इट इज आल्सो बी कॉल्ड एज स्पेस लैटिस आप इसको क्रिस्टल लैटिस बोलो स्पेस लैटिस बोलो डजेंट मैटर आप इसको स्पेस लैटिस भी बोल सकते हो तो बेसिकली उस अरेंजमेंट उस उस बनती है पॉइंट प्लसेंट पार्टिकल उसको कहा जाता है बेसिस ये बेसिस अगर आप रेगुलर अरेंजमेंट इसकी करते हो जो पीरियडिक होती है और थ्री डायमेंशन में फैली हुई रहती है तो उससे बनता है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस ठीक है तो दैट इज व्हाट द क्रिस्टल लैटिस अह क्रिस्टल लैटिस बेस फॉर क्रिस्टल लैटिस बेसिस एंड द फेस लैटिस इज ऑल अबाउट अब अगला यूनिट सेल अब यूनिट सेल क्या होता है अब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने देखा इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सबसे छोटा इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यूनिट जो बार-बार रिपीट -बार हो रहा है हर डायमेंशन में तीनों डायमेंशन में इस क्रिस्टल लैटिस का या स्पेस लैटिस का सबसे छोटा यूनिट जो बार बार रिपीट हो रहा है पीरियडिकली इन ऑल द डायमेंशन उस छोटे बेसिक यूनिट को कहा जाता है यूनिट सेल क्या बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इट इज अ बेसिक इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बेसिक स्ट्रक्चर

Over 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 and over again, over and again, over again in a three dimension in a अगेन dimension ठीक है इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ स्पेस क्रिस्टल लैटिस व्हिच रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन इन अ थ्री डायमेंशन टू फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर टू फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो उस हिसाब से क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है जो बार बार रिपीट होता है उसी चीज को कहा जाता है यूनिट ठीक है बेटा तो आई गेस मच इज और ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था यूनिट सेल आपको अगर याद होगा तो सबसे पहले मैंने यहां पे बताया था ये देखो ये आपका यूनिट सेल है जो बार बार रिपीट हो रहा है मैंने सिर्फ दो ही दिखाई थे यह आगे राइट में भी रिपीट होगा आगे लेफ्ट में भी रिपीट होगा इसके ऊपर भी रिपीट होगा इसके नीचे भी रिपीट होगा, और उससे बनेगा आपका एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है सो आई गेस दिस क्रिस्टल जो यूनिट सेल है यूनिट सेल के ये देखना दिस इज द यूनिट सेल्स रिप्रेजेंटेशन यूनिट सेल आपका ऐसा होता है और ये जो आपके दिख रहे सारे इनको कहा जाता है एज लेंथ ये एज लेंथ ए बी और सी आप ले सकते हो यहाँ पे ए बी सी लिया है ठीक है क्योंकि तीनों की एज लेंथ अलग अलग हो सकती है अगर सबकी एज लेंथ सेम रही तो वो क्यूबिक यूनिट सेल बन जाएगा तब मैं सिर्फ उसको ए ए लिखूंगा और उसके बीच में ये जो है अल्फा बी और सी जो यहाँ पे ये यह जो बन रहा है ये जो एंगल इसको कहते हैं अल्फा यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गैमा ये जो सारे एंगल्स हैं इनको कहा जाता है इंटरफेशियल एंगल क्या कहा जाता है इनको इनको कहा जाता है एंगल्स कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल ठीक है बेटा तो आशा करता हूं कि तुमको यह समझ में आ चुका होगा अब आगे निकलते हैं अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अब यूनिट सेल के कौन से कौन से टाइप होते हैं यूनिट सेल के वैसे तो चार टाइप है सबसे पहला है सिंपल यूनिट सेल अब एक बात याद रखना इसके बाद से हम लोग जो भी यूनिट सेल देखेंगे वो हमेशा क्यूबिक यूनिट सेल ही देखेंगे वैसे तो सात टाइप के यूनिट सेल होते हैं लेकिन हम लोग जो सबसे बेसिक देखने वाले हैं वो है तुम्हारा क्यूबिक यूनिट सेल इसके बाद से क्योंकि बाकी सारों का स्टडी अगर करने गए तो चैप्टर तीन सौ साढ़े तीन सौ पेजेस का हो जाएगा हमको चैप्टर चालीस पचास पन्नों में खत्म करना है तो इसलिए हम लोग सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल की टाइप से अच्छा क्यूबिक यूनिट सेल के तीन ही टाइप होते हैं लेकिन मैं चौथा भी उसमें दिखा दूंगा सिंपल यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल ऐसा होता है ये आपका सिंपल यूनिट सेल ठीक है दूसरा यूनिट सेल आपका होता है और एक चीज ये सिंपल यूनिट सेल में जो जिस पार्टिकल से यूनिट सेल बना है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट ये देखो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है बाकी कहीं पे भी ये प्रेजेंट नहीं है इसको कहा जाता है सिंपल यूनिट सेल ठीक है दूसरा आपका है दूसरा आपका है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है तो ये जो कॉर्नर है कॉर्नर पे तो एटम हर जगह प्रेजेंट होते ही होते हैं ये जो आपका कॉर्नर है कॉर्नर पे आपके एटम हर जगह प्रेजेंट होते ही होते हैं ठीक है ठीके? लेकिन वो कॉर्नर छोड़ के सेंटर में इस बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर में भी एक एटम एक पूरा का पूरा एटम प्रेजेंट होगा यस yes. तो यहां पे तो एटम प्रेजेंट होंगे होंगे यह छोड़ के इसके एग्जैक्ट सेंटर में भी एक पूरा ऐसा एटम होगा इसको कहा जाता है बॉडी सेंटर यूनिट सेल ठीक है तीसरा जो है तीसरा आपका है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल फेस सेल में क्या है बेटा यहाँ पे <coughs> यहां पे जो आपके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स है वो तो एज पे प्रेजेंट है ही है एज पे प्रेजेंट सारे एटम्स के होते ही होते हैं। कोई डाउट नहीं वहां पे ये यह देखो यहाँ पे सारे एटम्स आपके अब एटम्स का कितना पार्ट होगा वो बाद में देखेंगे लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो फेसेस है कितने फेसेस आते क्यूब में छह फेस आएंगे ये एक ये दो ये तीन चार ऊपर वाला पांचवा नीचे वाला छठा तो ऐसे छह फेसेस आएंगे तो हर फेस पे आधा आधा एटम आपको दिखेगा ये ऐसा यहां पे आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे आधा ये नीचे वाला जो है यहां पे आधा ये सामने वाला जो है यहां पे आधा और ये जो पीछे वाला आपको दिख रहा है वहां पे आधा तो ऐसे हर फेस पे आपको एटम दिख जाएंगे जिसको इसीलिए हम उसको नाम रखते हैं फेस यूनिट सेल लास्ट वाला है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल अब ये जो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल है इसको एंड सेंटर यूनिट सेल भी कहा जाता है बेस सेंटर्ड यूनिट ये देखो अब बेस सेंटर यूनिट सेल में भी वही चीज है यहां पे भी आटम जो आपके होंगे वो कॉर्नर होंगे ही होंगे कोई डाउट नहीं उसमें कॉर्नर पे एटम होंगे होंगे वो छोड़ के कोई भी दो ऑपोजिट फेसेस फिर चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो या ऊपर या नीचे वाला कोई भी एक फेस ले लो उस फेस पे आधे आधे होंगे तो मैं ये ऊपर वाला लेता हूं इस पे आधा आइटम वाला दैट्स इट इसको कहा, कहा जाता है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल या इसको कहा जाता है एंड सेंटर यूनिट सेल ये टर्म एनसीईआरटी में यूज किया जाता है बोर्ड में बेस सेंटर यूनिट सेल ये टर्म यूज किया जाता है ठीक है तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ यूनिट अब इसके बाद है क्रिस्टल सिस्टम अब जो आपके क्रिस्टल सिस्टम है बेटा वैसे देखा जाए तो देर आर और, ओवर ओवरऑल टोटल 14 ब्रावाइस लैटिसेस वैसे मैथमेटिकली उतने ही ब्रावाइस लैटिसेस या उतने ही क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल हैं, उस 14 ब्रावाइस लैटिसेस को सेवन क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया गया है ठीक है तो वो यहां पे मैं बताता हूं देर आर टोटल फोर्टीन ब्रावाइस उसमें उस से हम लोग सिर्फ क्यूबिक यूनिट सिस्टम ही देखने वाले ठीक है lattices, systems, कैसे? देखो यहाँ पे सात जो सात क्रिस्टल सिस्टम मैंने बोल रहा हूं वो सात क्रिस्टल सिस्टम यह है सिंपल क्यूबिक सिंपल क्यूबिक में जैसा मैंने बोला तीनों लेंथ ए बी सी एग्जैक्ट इक्वल है तो ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिख दो तीनों के एंगल अल्फा बीटा गामा एग्जैक्ट 90 है एट्रोगोनल में ए एंड बी सेम है लेकिन सी अलग है अल्फा बीटा गामा तीनों 90 है इस ऑर्थोरोम्बिक फिर मोनोक्लिनिक ट्राईक्लिनिक रोंबोहेड्रल एंड हेक्सागोनल तो इस तरह से आपके ओवरऑल सात क्रिस्टल सिस्टम बन के आते हैं ठीक है बेटा? चलो, अब अल्फाबीटा गैमा नाइनटी तीनों इक्वल है, तीनो है। तो क्यूबिक यूनिट सिस्टम जो है या क्यूबिक यूनिट सेल जो है इट्स मोस्ट सिमेट्रिक यूनिट सेल और जो ट्रा क्लिनिक तो नहीं ट्राइक्लिनिक जो है वो सबसे है, क्योंकि उसमें तीनों एज एग्जैक्ट इक्वल नहीं है ना ही तीनों का 90 के बराबर है। है, है है, तो ये ये जो और ठीक है बेटा? बाकी आप खुद भी देख सकते हो पढ़ सकते हो इसमें एक 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 याद रखा तो भी चलेगा में बस एक या दो एग्जाम्पल ही पूछेंगे अगला है क्यूबिक सिस्टम जैसा मैंने बोला तो क्यूबिक सिस्टम जो है क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है जैसा हमने अभी भी देखा क्यूबिक सिस्टम में इट इज सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम इसमें तीनों एज लेंथ आपके एग्जैक्ट इक्वल होंगे ये तो आप यहां पे लिख सकते हो इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और तीनों के जो एंगल रहेंगे ये वाले अल्फा बीटा गैमा तीनों के तीनों एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तीनों के तीनों एंगल भी एग्जैक्ट इक्वल आपको दिख जाएंगे ठीक है और क्यूबिक सिस्टम के तीन टाइप होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये बीसीसी है पीसीसी

और हर फेस के हर फेस में आधा आधा एटम भी प्रेजेंट रहेगा और ये उनका थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा ठीक है बेटा? So अगला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्यूबिक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल में हर यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहते हैं इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अब जहां तक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का सवाल है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जैसा मैंने बोला तो आपके एटम्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉर्नर पे ही प्रेजेंट रहेंगे ये ऐसे देखो ये आपके एटम और ये जो आपका कॉर्नर है बेटा हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है वन बाय एट कितना होता है कंट्रीब्यूशन मतलब एटम का वन एट हिस्सा होता है कितना वन एट ऑफ एटम इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जब आठ यूनिट सेल यहाँ पे ऐसे फ्यूज होती है जब आठ यूनिट सेल अपने-अपने कॉर्नर के साथ एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती है ऐसी तब तो वहां पे एक पूरा एटम बनता है अब आठ यूनिट सेल आएंगी तो एक पूरा एटम बनेगा मतलब एक सिंगल यूनिट सेल लिया तो कितना एटम आएगा 1/8 इसीलिए यहां पे ओवरऑल एटम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल कितने आएंगे 1/8 कॉर्नर कितने टोटल आठ कॉर्नर है तो 1/8 8 = तो यू हैव वन एटम पर यूनिट सेल पर यूनिट सेल में एक ही एटम आएगा दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बोला तो भी चलेगा ठीक है क्यूबिक यूनिट सेल नहीं रहा तो भी चलेगा डजेंट मैटर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो रहने दो तो बाकी दूसरा कोई भी रहने दो वो सेम ही आएंगे तो like ये फिर से कॉर्नर पे आठ आइटम आ जाएंगे सॉरी आठ कॉर्नर्स आ जाएंगे आठ कॉर्नर्स का मिला के एक पूरा आइटम और सेंटर पे एक पूरा का पूरा एटम होता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंप्लीट आइटम कंप्लीट एटम तो यहां पर इनका कंट्रीब्यूशन वन बाय एट इन टू एट राइट प्लस सेंटर वाला एक कंप्लीट एटम पे लिखता हूं सेंटर वाला तो so, यहां पर क्या मिलेंगे आपको ओवरऑल तो ओवरऑल देर आर टू एटम्स ओवरऑल देर आर टू एटम्स पर यूनिट सेल इतने हो गए टू एटम्स पर यूनिट ठीक है तीसरा है क्यूबिक यूनिट सेल में क्योंकि तीन ही टाइप होते हैं सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जहां तक फेस सेंटर यूनिट सेल का सवाल है ये फिर से आपके कॉर्नर पे वन बाय एट एटम ऐसे हो जाएंगे और हर फेस पे आधा आधा एटम इधर, इधर आधा इधर आधा इधर आधा ये सामने वाले में आधा ये नीचे वाला है उसमें आधा और ये सामने वाला है उधर आधा तो यहां पे कंट्रीब्यूशन फिर से तुम्हारा वही वन बाय एट इंटू एट प्लस कितने फेसेस फेजिस टोटल ये दो ये दो चार ऊपर का नीचे का छह फेसेस हो गए हर फेस में आधा कंट्रीब्यूशन सो हाफ इनटू ओवरऑल सिक्स फेसेस तो ये हो गया वन प्लस हाफ इंटू सिक्स थ्री ओवरऑल देर आर फोर एटम्स पर यूनिट्स है ओवरऑल देर आर फोर एटम्स पर रिलेशन क्या है रिलेशन बिट्वीन मोलर मासिटी एंड यूनिट सेल एज लेंथ इसका डेरिवेशन एग्जाम में कई बार आता है उस डेरिवेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है तो डेरिवेशन क्या है तो देखो जो आपका यूनिट सेल है यूनिट सेल के पैरामीटर आपको पता है यूनिट सेल्स एज लेंथ यूनिट सेल का एज लेंथ क्या है? यूनिट सेल का एज लेंथ समझ लो हमने पकड़ लिया A, ठीक है? और उसका वॉल्यूम यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वुड बी इक्वल टू ए क्यूब

तो मास ऑफ यूनिट सेल समझ लो हमने पकड़ लिया एम पकड़ लिया ठीक है एम मल्टीप्लाइड बाय एन अब आप बोलोगे सर एन क्यों लिया है मतलब नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो कितने भी हो सकते हैं ठीक है थीके? अब हमको नहीं पता वो कितने हैं चाहे तो मैं ऐसा लेता हूं मास ऑफ एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अब जरूरी थोड़ी ना कि ना यूनिट सेल में एक ही आइटम हो दो तो रह सकते हैं तीन भी हो सकते हैं कितने होंगे तो हम लोग लेंगे मास ऑफ यूनिट सेल वुड बी इक्वल टू एम एन टू एन बराबर मास ऑफ अ एटम यह सिंगल एटम लिख देंगे यहां पर मास ऑफ सिंगल एटम बराबर अब अब अगली बारी अब मास तो मिल गया अब हम लोग लेंगे इसका डेंसिटी तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगा मास मास डिवाइड बाय वॉल्यूम बराबर मास क्या है एम इंटू एन डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है बराबर अब अब हम लोग लेंगे मोलेक्यूलर मास अब किसी भी सब्सटेंस का मोलेक्र मास क्या होता है मोलेक्यूलर मास इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल एटम मल्टीप्लाइड बाय अवेग्रो नंबर राइट चाहिए तो मैं पूरे विस्तार से लिखता हूं मोलेक्यूलर मास इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल एटम या मोलिक्यूल जो भी आपको लेना है मास ऑफ सिंगल एटम पहले मैं इसको इक्वेशन नंबर वन लिख देता हूं मास ऑफ सिंगल एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर राइट मास ऑफ सिंगल एटम आपका हो जाएगा ये मोलिकुलर मास यहां पे कैपिटल एम लिख देता हूं कैपिटल एम मास ऑफ सिंगल एटम एम इनटू एवोगैड्रो नंबर एन तो बेसिकली एम इज कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इन टू एन ए अब आपको क्या निकालना है अब आपको एम निकाल एम का वैल्यू क्या आएगा तो यहाँ पे एम का वैल्यू आएगा एम वुडी इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइड बाई एन एम वुड बीवल टू कैपिटल एम डिवाइड बाई एन एब्सिट्यूटिंग दिस वैल्यू ही अगर आप इक्वेशन नंबर वन में डालोगे तो आपको मिलेगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एम के जगह एम बायोगे तो यहां पे आएगा कैपिटल एम इंटू एन डिवाइड बाई एन एंड ए क्यू एंड दैट इज द डेरिवेशन फॉर डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल वोलर मास एंड यूनिट सेल एज लेंथ ए क्यू लें हाउ यू कैन डिराइव दिस डेरिवेशन एग्जाम में इसके ऊपर दो या तीन मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो आई गेस रिस्पांच इज इनफके चलो okay? आगे निकलते हैं आप अग, अगला पार्ट कौन सा है अगला पार्ट है हमारा पैकिंग ऑफ ए पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस अब क्रिस्टल लैटिस में जो पार्टिकल्स की पैकिंग होती है उस पैकिंग से ही आपके सब्सटेंस बनते हैं और जो आपकी पैकिंग होगी बेटा वो पैकिंग जरूरी नहीं है कि आपकी पैकिंग सिर्फ एक ही दिशा में हो और एक ही तरह से हो बेसिकली आपकी जो पैकिंग होगी जो पैकिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस हैपेंस इन थ्री वेस्ट थ्री वेस बाई विच पैकिंग कैन हैपन वैसे हर सप्शन थ्री डायमेंशन में ही होता है लेकिन उसकी शुरुआत उसकी शुरुआत जो होती है वो वन डायमेंशन से ही होती है पैकिंग इन वन डायमेंशन फिर पैकिंग इन टू डायमेंशन एंड तीसरा है पैकिंग इन टू डायमेंशन एंड ठीक है अब अब देखते हैं पहला कैसे होगा आपके जो कंसिस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे एक ही लाइन में अटैच होंगे वो ऐसे एक ही लाइन में अगर अटैच होंगे तो हम उसको कहेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन और यहां पे अगर देखोगे तो हर एक कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल जितने भी कॉन्स्टिडेंट पार्टिकल से घिरा हुआ रहता है उस हिसाब से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होता है अगर आप यहां पे देखोगे तो कोई भी एक पार्टिकल दो पार्टिकल से अटैच है ये दो पार्टिकल से ज्वाइन रहेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा तो हर कॉन्स्टिडेंट पार्टिकल्स का वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ठीक है बेटा चलो आगे क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन यह एक्चुअली आगे मैंने किया भी है ठीक है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन जो है उसके दो टाइप है उसके दो टाइप है एक आपका है स्क्वेर क्लोज पैकिंग एक आपका है स्क्वेर क्लोज पैकिंग एंड तीसरा है एग्जागोनल क्लोज पैकिंग एक आपका है क्लोज पैकिंग एंड तीसरा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ठीक है अब वो टाइप्स कैसे यहां पे देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या है आपने ये पहला लेयर लगा दिया इसको आप लोग बोलेंगे ए लेयर ठीक है अब जो दूसरा लेयर आप लगाते हो तो दूसरा लेयर आप इस तरह से लगाओगे कि पहले लेयर के जो स्पीयर है उन स्पीयर्स के अलाइनमेंट में ही सेकेंड स्पीय सेकेंड सेकंड लाइन के स्पीयर्स आएंगे ये देखो ये सेकंड लाइन के जो स्पीयर्स है इसके बराबर अलाइनमेंट में है तो इसको भी आप ए लेयर ही कहोगे और ये तीसरा वाला भी वैसा ही है तो आप ऐसी जब अरेंजमेंट करते हो तो आप ये पाओगे कि हर पार्टिकल जो है इट इज सराउंडेड बाय फोर अदर पार्टिकल्स लाइक दिस ये देखो हर पार्टिकल फोर पार्टिकल से अरेंज है सॉरी तो सराउंडेड है अब अब अगर इनको आप कनेक्ट करोगे तो आपको यहां पे मिलेगा क्या मिलेगा आपको यहां पर मिलेगा और इसीलिए इसको कहा जाता है क्लोज ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे कितना आ रहा है बेटा आप खुद देख सकते हो एवरी पियर इज सराउंडेड बाय फोर अदर स्पीयर्स इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है चार ठीक है चलो अगला

ये दूसरा लेयर आपका हो गया बी लेयर पहला ए लेयर था अब दूसरा आपका आएगा बी लेयर फिर तीसरा लेयर चढ़ाने जाओगे तो वो सेकेंड लेयर के जो यहाँ पे गड्ढे वहां पे आएगा तो वो फर्स्ट लेयर के एग्जैक्ट अलाइनमेंट में आ रहा है अगर आप ठीक से देखोगे तो तो फिर से वो ए लेयर ही बन जाएगा और ये अरेंजमेंट जब आप लेते हो तो यू विल सी दैट एवरी स्पीयर इज एक्चुअली सराउंडेड बाय सिक्स अदर तो जो सिक्स अदर से वो सराउंडेड है उनके सेंटर को अगर आप कनेक्ट करोगे ये ऐसे तो आपको वहां पे मिलेगा हेक्सागोन क्या मिलेगा आपको वहां पे हेक्सागोन दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और अगर आप यहाँ पे ठीक से नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा सिक्स बिकॉज एवरी स्पीयर इज सराउंडेड बाय सिक्स अदर ठीक है बेटा क्लियर है चलो देन आगे बढ़ते हैं अब अगला पॉइंट है क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन अब क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन की जब आप बात करते हो तब आप टू डायमेंशन को देखो पहला डायमेंशन आपका हो गया पहला डायमेंशन क्या हो गया जहां पे एक लाइन में सारे स्पेर अरेंज कर दिए अब उस एक लाइन के नीचे और एक लाइन लगा दिया उस, उसके नीचे और एक लाइन लगा दिया एक ऐसा शील्ड बन गया तो ये आ गया तो टू डायमेंशन अब ये एक शीट जो बना है उस एक शीट के ऊपर दूसरा शीट रखा तीसरा शीट रखा चौथा शीट रखा पांचवा शीट रखा एंड सो ऑन इससे बन रहा आपका थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग तो ये थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग आपका दो तरह से बन सकता है एक तो आपका बन सकता है फ्रॉम फ्रॉम टू डी क्लोज पैकिंग एक आपका बन सकता है फ्रॉम टू डी स्क्वे क्लोज पैकिंग और दूसरा आपका बन सकता है अरे सॉरी दूसरा आपका बन सकता है फ्रॉम टू डी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक आपका टू डायमेंशनल स्क्वेयर क्लोज पैकिंग का एक्सटेंशन होगा दूसरा टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक्सटेंशन होगा

चौथा रखा पांचवा रखा छठा रखा एंड सो ऑन ये जो आपको देगा वो रहेगा आपका थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और इसमें पहला लेयर अगर ए ए ए, है, है, दूसरा भी भी तीसरा चौथा भी ए है और इसी तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इसी को कहा जाता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बेटा तो इस तरह से आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ठीक है चलो देन आगे बढ़ते हैं अगला फ्रॉम टू डायमेंशनल फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अब टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले नीचे वाला जो लेयर है बेटा नीचे वाला जो लेयर है वो तुम्हारा हेक्सागोन है नीचे वाला लेयर कौन सा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है अब उसके अब उसके उसके ऊपर ऊपर आप आप लेयर लेयर चढ़ाते चढ़ाते हो हो जब तो सेकंड के दो तरीके होते हैं दो तरीके कौन से एक तरीका ये जो आप देख रहे हो ना टी 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 ओ तो फर्स्ट नीचे वाला जो लेयर है उसमें कुछ ना कुछ नीचे वाला जो लेयर है उसमें कुछ ना कुछ आपको वॉइड्स दिखेंगे दो स्पेयर के बीच में वॉइड्स दिखेंगे जहां पे ये टी लिखा हुआ है ना ये वो वॉइड्स है टेट्राहेड्रल वॉइड्स

तो इसीलिए पहला लेयर अगर मेरा ए लेयर है तो मेरा दूसरा लेयर हमेशा रहता है बी और इसी से बनता है तुम्हारा थ्री पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ठीक है ये हो गया दूसरा लेयर अब अगर तीसरा लेयर चढ़ाने की बारी आती है तो तीसरा लेयर चढ़ाने के दो तरीके हैं मैंने पहला लेयर तो ए लेयर तो आपका हो गया नीचे वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो था वो टू डायमेंशनल वाला था उसके ऊपर जब आप दूसरा लेयर चढ़ाते हो तो ये दूसरा लेयर जब, जब चढ़ाते हो तो वो टेट्राइडल वाइट को कवर कर रहा है सारे तो जो, तो वो जो को कवर कर रहा है तो ये जो ऑक्टाइड वाइट है ये छूट जा रहे हैं इनको हम छोड़ दे रहे हैं अब ये ऑक्टाइडल व्हाइट को अगर तीसरा लेयर कवर करेगा इस सेकेंड लेयर के बाद जब तीसरा लेयर आएगा और वो इस ऑक्टा हेडल को कवर करेगा तब क्या होगा तो वो जब इस ऑक्टाइडल व्हाइट को कवर करेगा तो आपका बनेगा लेयर और उसी उसी से बनता है ए बी सी ए बी सी टाइप पैटर्न जिसको हम लोग कहते हैं सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग ठीक है बेटा तो मैं आशा करता हूं कि दिस मच इज इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग चलो नेक्स्ट अतः नेक्स्ट क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्लोज पैक स्ट्रक्चर में बेटा क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए क्या आता है तो सबसे पहला है आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है यहां आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिक्स आप पूछोगे कैसे <coughs> तो देखो ये इमेजिन करोगे स्क्वेयर क्लोज पैकिंग जैसा है जहां आपने खुद के लेयर में

उसी को ले लो तो उसका अपने लेयर में, अपने लेयर में में अपने एवरी स्पीयर इज सराउंडेड बाय सिक्स स्पीयर्स तो वहां पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स हो गया ऊपर वाले में तीन स्पीय है छे और तीन नौ और नीचे वाले में तीन है तो छीन नौ नौ और तीन बारह तो इस हिसाब से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बारह बन के आता है ठीक है बेटा चलो अगला पैकिंग इफिशियंसी अब पैकिंग इफिशियंसी क्या है अब ये जो तो यूनिट सेल है यूनिक सेल में जितनी भी जगह जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई है उसमें से कितना पार्ट या कितना वॉल्यूम आपके जो कॉन्स्टिटेंट एटम्स है या पार्टिकल्स है वो ऑक्यूपाई करते हैं उसी को कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी ये परसेंटेज में मेजर किया जाता है तो पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल टू तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय volume occupied by constituent particles volume occupied by constituent particles in unit cell divided by total volume divided by total volume of unit cell total volume of Unit cell, and एंड मल्टीप्लाइड बाय ये जो परसेंटेज आता है उसी चीज को हम लोग कहते हैं पैकिंग ठीक है मतलब पैकिंग इफिशियंसी आपको ये बताता है कि आपके यूनिट सेल में आपके जो एटम्स है वो कितना कॉम्पैक्टली पैक्ड है ठीक है बेटा चलो तो फिर अब सबसे पहला पैकिंग एफिशियंसी है आपका सिंपल क्यूबिक का किसका है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपका अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो तो पैकिंग आपकी बन के आती है वो पैकिंग बन के आती है 52.6 परसेंट कितनी आती है पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है 52.6 परसेंट अब क्योंकि ये हमारा समरी लेक्चर है यहां पे मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूं बस बता रहा हूं कि पैकिंग इफिशियंसी कितना आता है ठीक है बेटा अगला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसको हम लोग बोलते हैं पीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट यहां पे जो आपका पैकिंग इफिशियंसी बन के आता है यहाँ पे इसका पैकिंग इफिशियंसी आता है 68 परसेंट यानी ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक है इसके बाद आता है अगला वाला ये पेस सेंटर पेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे जो आपका पैकिंग इफिशियंसी आता है वो सबसे ज्यादा आता है इसका मतलब आपका फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल सबसे ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है क्योंकि इसका पैकिंग एफिशिएंसी आता है 74% इट इज दैट कॉम्पैक्टली पैक्ड तो बेसिकली तीनों की अगर बात करूं तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल सबसे ज्यादा पैक्ड है फिर आता है बीसीसी सबसे लास्ट में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 74% 68% एंड 52% ठीक है बेटा चलो आगे अब <laughs> अगला तो पॉइंट है वो है क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन क्रिस्टल डिफेक्ट्स और कंस्टिट्यूएंट तो मतलब पार्टिकल तो की जो पैकिंग होती है वो पैकिंग हमेशा रेगुलर नहीं रहती हमने पैकिंग देख ली कि पैकिंग कैसे कैसे होती है लेकिन ये पैकिंग रेगुलर हो इसकी कोई गारंटी नहीं कभी तो कभी ये जो पैकिंग है ये पैकिंग इरेगुलर होती है कभी कभी कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिसिंग होते हैं कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के कुछ इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अपनी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके घुस जाते हैं तो इस तरह से जो डिफेक्ट्स बनते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्रिस्टल डिफेक्ट्स या इम ठीक है क्रिस्टल डिफेक्ट्स या इम जहां तक इनका सवाल है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स वैसे तो तीन तरह के हैं लेकिन आपको जो आ रहे हैं वो एक है पॉइंट डिफेक्ट्स और दूसरा है लाइन डिफेक्ट्स पॉइंट डिफेक्ट्स लाइन डिफेक्ट्स पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या होता है वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब डिफेक्ट्स इन डिफेक्ट्स इन पर्टिकुलर डिफेक्ट्स इन पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिफेक्ट होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्ट इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी एक जगह पर डिफेक्ट है तो ये होता है लाइन डिफेक्ट में क्या होता है पूरा का पूरा लाइन लाइन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैज इफेक्ट लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं करने वाले हम लोग सिर्फ पॉइंट इफेक्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं ठीक है कैसे चलो तो देख लेते हैं पॉइंट इफेक्ट अब पॉइंट इफेक्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया देर इज अर रेगुलरिटी देर इज अर रेगुलरिटी इन दरेंजमेंट देर इज एन इेगुलरिटी इन दी अरेजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट a irregularity in इन arrangement ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ठीक है वहीं से आते तुम्हारे point defects. Point defects कौन से सबसे कौन से पहला है अब तो हम लोग देखेंगे में क्या होता है सोशोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स में अगर कोई कटा एंड मिस हो रहा है तो उसी के साथ उसका अनायन भी मिस होता है ऐसा नहीं होगा कि बस मिस होगा और अनायन मिस नहीं होगा या अनायन मिस होगा तो कटाइन मिस नहीं होगा मिस होंगे तो दोनों अपनी जगह छोड़ के जाएंगे और जब वो अपनी जगह छोड़ेंगे यहां पे क्या दिखेगा यहां पे वैकेंसी बन जाएगा तो पॉइंट इफेक्ट मतलब क्या मिसिंग मिसिंग इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ नंबर ऑफ मिसिंग होगा मिसिंग इक्वल नंबर ऑफ उसी चीज को कहा जाता है वैकेंसी सॉरी, हाँ सोशोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट जिसका पहला टाइप है वैकेंसी डिफेक्ट और वैकन्सी डिफेक्ट आपने अभी अभी जस्ट देखा वैकेंसी डिफेक्ट आपने अभी भी जस्ट देखा कि भाई कोई ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे तो कहीं बीच वाला पार्टिकल यहाँ पे मिसिंग होगा यहाँ पे इधर का पार्टिकल मिसिंग होगा लाइक like दिस तो इस तरह से आपके यहाँ पे क्या बन जाएंगी वैकसी बन जाए इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट ठीक है बेटा नेक्स्ट सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड सेल्फ के इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब क्या ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं अरेंज किए हुए इनके बीच में ये जो जगह है ना ये जगह इसी जगह को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस तो कोई एटम वहां पे आके अपनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे है जैसे यहां पे देखो यहां पे ये जो एटम दिख रहे हैं, ये देखो ये जो एटम है ये वाला या फिर ये वाला ये जो एटम से ये क्या है दिस आर इंटरस्टिशियल ऑक्यूपाइड बाय एटम तो ये एक तरह का आपका वैकेंसी डिफेक्ट है दूसरा क्या है कोई एटम यहां की जगह छोड़ रहा है

इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आपका स्कॉट की डिफेक्ट होता है जहां पे इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एंड इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग कटायंस और अनायंस का इक्वल नंबर मिस होता है यानी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन कंपाउंड कभी भी चार्ज नहीं होता इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज स्कॉट की डिफेक्ट का जो uh, की डिफेक्ट का खास करके स्कॉट uh, की डिफेक्ट का खास करके uh, जो ये है क्या बोलते हैं हम लोग उसको कॉन्सिक्वेंस सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस इस कॉन्सिक्वेंस इसका यह है कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम कि इसका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होता है डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इसका मास डिवाइड बाय वॉल्यूम मास डिक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है इसका मतलब कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगा डेंसिटी उसका डिक्रीज ही होगा एंड इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल जनरली वो होते हैं जहां पे कटाइंस और अनायंस का जो तो साइज है वो इक्वल होता है या कंपेरेबल होता है तो या का साइज़ पे याबल या इक्वल होता है वहीं पे होता है तुम्हारा क्या वहीं पे होता है तुम्हारा स्कॉट की डिफेक्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एन एस सी एल सी एल ये या फिर एन ए बी आर एन तो वैसे दोनों जगह होता है दोनों एन एर नहीं एजीबीआर एन एस सी एल के C एल ए जी बी आर ई टी सी ठीक है तो इन सारे जगह पे स्कॉट की डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अगला है फ्रंकेल डिफेक्ट तो स्कॉट की डिफेक्ट अगर देखा जाए तो स्कॉट की डिफेक्ट बेसिकली कौन सा डिफेक्ट है इट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट इट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट ये सारे मैं पॉइंटर्स आपको बता रहा हूं इट्स अ

यानी अगर ये आपका कटायन का साइज है ऐसा तो आपका अनायन का साइज होगा ये ऐसा बड़ा तो यहाँ पे क्या होता है कटायन अपनी रेगुलर कटाइन अपनी रेगुलर लैटिसर साइट होती है उसको लैटिस साइट कहा जाता है कटाइन अपनी रेगुलर लैटिस साइट छोड़ देता है और किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके घुस जाता है तो कोई इंटरस्टिशियल स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कटायन जो है यहाँ पे कटाइन ने अपनी जगह छोड़ दी

एज एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है ठीक है इसका अगर देखा जाए तो यहां पे इसकी डेंसिटी जो है डेंसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट यहां पे डेंसिटी इसकी नहीं बदल रही है क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इसका मास कांस्टेंट है क्योंकि ना कटायन मिसिंग है ना अना मिसिंग है बस घुस रहा है, so, constant, constant, सबसे बड़ा है। और फ्रंकल डिफेक्ट कहा कहा पे होता है फ्रंकल डिफेक्ट वहां होता है जहां कटा के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है तो एजीबीआर का एग्जाम्पल मैं खास करके बताऊंगा क्योंकि एजीबीआर एक ऐसा सॉल्ट है जहां पे स्कॉट की डिफेक्ट भी देखने को मिलता है और फ्रंकल डिफेक्ट भी देखने को मिलता है ठीक है चलो नेक्स्ट इंप्योरिटी डिफेक्ट एंड इट्स टाइप्स अब इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है इंप्योरिटी डिफेक्ट वो होता है जहां पे सम फॉरेन सम फॉरेन फॉरेन मतलब फॉरेन पार्टिकल फॉरेन एटम फॉरेन एटम ऑक्यूपाइज foreign atom occupies interstitial site interstitial site in crystal lattice some foreign atom occupies interstitial site in crystal lattice or it replaces or it replaces

इंप्योरिटी डिफेक्ट के भी दो टाइप दो तीन टाइप है सबसे पहला है में यहां पे ये ये? क्या हो रहा? है? This is an alloy. कौन सा है ये? ये bronze है। ब्रॉस ब्रांस जो भी है जहां पे कॉपर का crystal lattice है और जो है, वो कॉपर के एटम्स को रिप्लेस कर रहा है तो बेसिकली यू हैव गॉट एंड हियर यहाँ पे यहां पे क्या हो रहा है यह आपका NaCl है और एन अपनी जगह छोड़ के निकल गया तो वहां पे एक वैकेंसी बन ठीक है अब जहां पे क्या चीज है ना यहां पे चीज यह है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर तुमको मेंटेन करना है तो एक एन प्लस अगर मिसिंग है तो वहां पे दूसरा कोई ऐसा आयन आता है जो एन प्लस से उसका चार्ज ज्यादा होता है जैसे यहां पे यहाँ पे एन ए प्लस के जगह पे एस आर टू प्लस एक्चुअली में है तो बेसिकली एन एस सी एल इज इंप्योर्ड विर सी एल टू एस आर सी एल टू जो है वो प्लस चार्ज की वैकेंसी को भी सैटिस्फाई करता है और यहाँ पे बैठ के अपना खुद का प्लस वन जो है उसको भी सैटिस्फाई करता है इस तरह से अगर एन एस सी एल एस आर सी एल टू से इम्प्योर्ड है तो ये सिचुएशन आती है ठीक है बेटा अगला वाला है इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट बेसिकली होता है स्टेनलेस स्टील में दिस एक्चुअली हैपेंस इन स्टेनलेस स्टील जो कि ये सिचुएशन है जहां पे आयन प्लस कार्बन अब कार्बन मुझे बताओ कार्बन बहुत छोटा है राइट कार्बन इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड आयन आइटम आर वेरी लार्ज इन साइज तो ये जो आयन आइटम का जो क्रिस्टल लैटिस है उसके बीच में ये कार्बन यहाँ पे उनके इंटरस्टिशियल साइड में जाके घुस जाता है जिस वजह से इनका कॉम्पैक्टनेस बढ़ता है इनकी डेंसिटी बढ़ती है और इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और इनका हार्डनेस भी बढ़ता है ठीक है तो बेसिकली स्टेनलेस स्टील के प्रिपरेशन में यही किया जाता है जब कार्बन आपके आयन के इंटरस्टिशियल साइड में जाके ऑक्यूपाई हो जाता है ठीक है बेटा अगला है नॉन स्टोशोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टोशोमेट्रिक डिफेक्ट ऐसा कि जहां पे स्टोश्योमेट्री जहां पे स्टोशोमेट्री इज नॉट मेंटेन्ड स्टोशोमेट्री इज नॉट मेंटेन इसका मतलब नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रिकल इज़ मेंटेन लेकिन नंबर ऑफ एटम जो मिस होंगे जो ओरिजिनल फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला से ये नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल अलग होंगे इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो FeO FeO अगर आप नॉर्मल लोगे तो एक Fe एक ऑक्सीजन है यानी अगर 100 आयरन एटम्स होंगे तो 100 ऑक्सीजन एटम्स भी होंगे ठीक है लेकिन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा Fe 0.96 एंड O अब आप बोलोगे Fe 0.96 मतलब क्या है अब आयरन का थोड़ी ना 0.96 वाला पार्ट रहेगा बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आयन के 96 सिक्स एटम्स है तो ऑक्सीजन उक, के अगर 100 है तो आयन के 96 सिक्स ही आपको वहां पे मिलेंगे उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे चार आयन एटम्स वहां से मिसिंग रहेंगे और इसी को कहा जाता है नॉन स्टोशोमेट्रिक डिफेक्ट जिसके एग्जाम्पल यहां पे देखो अब उसके भी टाइप है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में नंबर ऑफ मेटल एटम्स

हमेशा कम रहेंगे जैसे यहां पे देख लो यहां पे आप एनआई टू प्लस जो है तो मिसिंग है। NI 2 is missing. अब अगर इसका टू प्लस चार्ज मिसिंग है तो क्या ये कंपाउंड पूरी तरह एनानिक बन जाएगा कि नहीं कंपाउंड एनानिक नहीं बनेगा यहां पे क्या होगा अगर एनआई टू प्लस मिसिंग है आपका एन आई प्लस अगर आपका मिसिंग है तो क्या होगा कि जो यहाँ पे कोई ऐसा दूसरा आइटम होगा एन आई थ्री प्लस तो इस प्लस चार्ज को मेंटेन कर देगा बेसिकली दो एन आई थ्री प्लस आपको यहां दिखेंगे यहाँ पे दो एन आई थ्री प्लस रहेंगे जैसे कि यहाँ पे मैं तो आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं देखो यहाँ पे एक एन आई थ्री प्लस है ये एनआई थ्री प्लस है और यहाँ पे दूसरा एन आई थ्री प्लस क्योंकि एन आई टू प्लस अगर मिसिंग है तो पूरा बेसिकली दो प्लस चार्ज का डेफिसिट है दो प्लस चार्ज का डेफिसिट करना है तो हम किसी और एटम को नहीं ला सकते तो हम लोग निकेल को ही लेंगे लेकिन दूसरा निकेल दो निकेल होंगे एनआई थ्री प्लस में जो एनआई टू प्लस में रहेंगे तो अपना खुद का जो चार्ज है उसको सेटिस्फाई करेंगे जो एक्स्ट्रा प्लस वन है और इसका जो एक्स्ट्रा प्लस वन है दोनों मिला के टोटल प्लस टू वो इस एन आई टू प्लस वाला जो मिसिंग आ, आयन है उसको क्या करेंगे उसको मतलब बेसिकली करेंगे और so और इसके चलते मेटल का कम हो जाएगा और उसी चीज़ से बनेगा ठीक है अगला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में नंबर ऑफ मेटल एटम्स ज्यादा रहेंगे चार्ज देखो चार्ज बैलेंस यहां भी है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हियर एंड इट इज मेंटेन हियर एज वेल यहां नंबर ऑफ मेटल आर मोर नंबर ऑफ मेटल मेटल्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मेटल एटम्स एज कंपेयर टू एनायंस आर मोर वो दादा हो ठीक है आपको <laughs> एग्जाम्पल भी दिखाता हूं ये देखो पर ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है अब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में एक एक्सेस न्यूट्रल जिंक एटम ये देखो एक्सेस न्यूट्रल जिंक एटम उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जिंक ऑक्साइड के इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस गया है अब क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस गया है तो आपको लगेगा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है क्योंकि वो न्यूट्रल जिंक एटम है आपको जेड एन टू प्लस अगर एक्स्ट्रा आता तो दिक्कत होती है लेकिन ये न्यूट्रल जिंक है राइट इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्या, क्या वहां पे घुस जाता है तो टू प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएंगे अब टू प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो उसको मेंटेन करने के लिए वहां पे दो इलेक्ट्रॉन भी उस इंटरस्टिशियल साइट में रहेंगे तो वहां की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ठीक है बेटा तो आशा करता हूं यह आपको क्लियर होगा चलो अगला इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एक्चुअली आप इसके बारे में सीखे हो ऑलरेडी फिजिक्स में तो मुझे केमिस्ट्री में एस सच बताने की जरूरत नहीं लगती यहां पे कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड तीसरा है सेमी कंडक्टर्स राइट कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स तो जहां तक कंडक्टर्स की बात है तो कंडक्टर्स में क्या होता है कंडक्टर्स में आपका वैलेंस बैंड एंड आपका कंडक्शन बैंड ये दोनों ओवरलैपिंग होते हैं ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस और ये दोनों के दोनों यहां पे क्या है देर इज एन ओवरलैपिंग देर इज एन ओवरलैपिंग बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जहां तक इंसुलेटर का सवाल है तो इंसुलेटर में आपका कंडक्शन बैंड और ये रहा ऊपर आपका ये आपका ऊपर रहा वैलेंस बैंड तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये कंडक्शन बैंड है कंडक्शन बैंड और ये आपका वैलेंस बैंड इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है दिस इज वेयर द फॉरबिडन जोन इज दिस इज वेयर द फॉरबिडन जोन इज यहां पे आपका फॉरबिडन जोन तो इन दोनों का ओवरलैप नहीं हो सकता उस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे लास्ट वाला है सेमीकंडक्टर्स अब सेमीकंडक्टर्स में क्या किया जाता है सेमी कंडक्टर्स के भी दो टाइप है चलो उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है के भी दो टाइप है। एक आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर है और दूसरा एन टाइप सेमी कंडक्टर है जहाँ पे क्या होती है डोपिंग होती है आपको पता है कि डोपिंग में यहाँ पे टेट्रावैलट कोई आइटम अगर है जैसे ई फोर प्लस तो उसमें कोई ऐसा आइटम मिलाया जाता है जो आपका ट्राइवेलेंट हो और वहां वहां पे बनता है होल और उस होल के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वहीं पे एन टाइप में क्या होता है एन टाइप में अगर कोई आइटम टेट्रावैलेंट है जैसे सिलिकॉन तो सिलिकॉन में कोई पेंट्रावेंट आइटम जैसे फॉस्फरस जैसा आइटम मिलाया जाता है इसकी वैलेंसी पांच है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी होल्ड बनता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पी टाइप नेगेटिव चार्ज है इसलिए एन टाइप बाकी फिजिक्स में आप इस बारे में ऑलरेडी सीखे हो राइट एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर धन्यवाद थैंक यू आई होप मैं मैं आशा करता हूं कि आपका जितना भी रिवीजन है वो मैंने समराइज कर दिया है मिलते हैं अगले लेक्चर में टिल देन बाय बाय